चैन है नहीं जा। धमकी नंबर एक, इस महीने तो चेली का रिश्ता पक्का करवाना होगा तुम्हें बस। पिछले महीने तुम नवरात्रों में बिजी ठहरी, मैं कुछ ना बोली। उसके पिछले महीने सोचा कि तुम स्वर्ग में रंग खेल रही होगी, फिर भी मैं कुछ ना बोली। लेकिन आज जेठ जी फिर से किसी लड़के की बात करने वाले ठहरे अपनी कथा के लिए, जो अब के बात ना बनी जा, तो इस महीने एक भी हापुस आम की फाक ना लगेगी भोग में बल। हाँ हाँ जानती हूँ, कल से चैत्र मेला लगने वाला ठहरा, लेकिन उसका भी बहाना नहीं चलेगा ईजा। अब धमकी नंबर दो, आज जेठ जी की छोटी चेली नीति की शादी है, बेचारे गजबजाए हुए ठहरे, कोई समस्या खड़ी ना कर देना ईजा। अब ये लो सुबह की चाय और खारी। अब तीसरी और फाइनल धमकी, वो जो दो महीने पहले सप्लायर ने फफूंदे वाले केक्स की डिलीवरी करी ठहरी, उसके 15,000 अब तक वापस ना फेरे। तो ये सरकारी दफ्तर वाली गति को तेज करो ईजा, और हमारे 15,000 दिला दो भगावा। देखा, उमा की धमकियां सिर्फ नैनीताल में ही नहीं, देवलोक तक भी काम कर जाती ठहरी। अरे जल्दी 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 जल्दी, आज तो मैं अपने 15,000 लेके रहती बल। तू यहाँ कहाँ डब्बे सजाने में लग गया, काकी आ गई ना तो हमें भी इन्हें डब्बों सजा देगी। चलो चलो जल्दी 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 ला जल्दी जल्दी। चलो बाहर जल्दी। जय बद्री विशाल, उत्तराखंड की जनता, आज हम सोशल मीडिया पे लाइव है इन उचक्कों का खुलासा करने के लिए। देख लीजिए इन उचक्कों को अच्छे तरीके से, दो महीने से मेरे 15,000 मार कर बैठे हैं बल। काकी हम तो डिलीवरी वाले हैं, आप उदयपुर के हेड ऑफिस में कॉल करके देखिए ना, बेकार में हमारा दिमाग खाती रहती। बदतमीजी कर रहे हो तो कपाओ फोड़ दी। आज अगर मेरे पैसे ना मिले तो इस आंगन के बाहर ये टेम्पो नहीं जाता बल, और ये धमकी है, हल्के में ना लेना। कथा भाई जल्दी टेम्पो में बैठो और टेम्पो को सोलो। अरे ओ क्रांतिकारी, ए भूला, रुक, पैसे तुम्हें लेके रहूंगी। दीदी के रोज रोज के ड्रामे ने ना नाक में दम कर रखा है बल। मॉम मॉम मॉम, कब समझोगी ये सिंपल सी बात, लाइफ है तो ड्रामा है, स्पेशल बात तो ये है कि तुम जैसे गरीब के घर में एक सुपरस्टार का पैदा होना। सुपरस्टार? नो 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 नो, नो मोर फोटोग्राफ्स प्लीज, नो 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 सेल्फी। ये कितना मुश्किल हो जाता है ना फैंस का हैंडल करना। अब प्लीज गिव मी माय मिल्कशेक। मिल्कशेक की बच्ची, इसी फैन से ना उल्टा टांगने वाली हुई मैं तुझे बल, फिर दिमाग और कान दोनों खुल जाने वाले होते। क्या मॉम यार, फिर शुरू हो गई तू अंग्रेजों की तरह मॉम मॉम। अरे सीधी साधी कुमाऊनी चेली की तरह ईजा ना बोल सकती? ओ मामा, ईजा ना हो गया कि दिन का पिज्जा हो गया यार, जिसकी तुम्हें इतनी क्रेविंग होती रहती। इसके लिए तुम्हारी बड़ी वाली बेटी है ना, ईजा की लाडली कथा उमा रावत। उस चेली से तो मैं बात भी ना करने वाली हूँ आज। मैंने जता कर बोला था कथा से कि ताऊ जी के घर जाना है आज, लड़के वालों से बात करना ठहरा, और आज के दिन घर से बाहर ना निकलेगी बल। पर सुनती है लाटी? अच्छा तो आज की ताजा खबर, दीदी और उनके राम प्यारी कब की भुर्र हो चुकी है। अरे माँ ये तो अब होना ही था ना, ये क्रांतिकारी टाइप के लोग ना तुम जैसे शांतिकारी को कहाँ समझ में आने वाले। दुनिया को एक बेटर प्लेस में पहुंचाना, लोगों की मदद करना, सबकी मुश्किलें आसान करना, ये तो पैशन है मेरी दीदी का। दीदी धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। कथा दीदी मेरी मम्मी मिल जाएगी ना? हटो ए बुली, ए नो एंट्री में जा रही है।
ये तो एक पुकार एनजीओ वाली कथा है। आज जाने किसकी जान बचाएगी ये। रे ओए तू भन्नेल। पाव जो हटो। दीदी अगर मम्मी नहीं मिली तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पीहू एक बात बताओ, आपको पोएट्री आती है? हाँ। सुनो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। डर को दे दो मुक्के चार, मुश्किल से ना मानो हार, हिम्मत हर पीड़ा पा लगाए, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। पर दीदी ये तो रॉन्ग है ना? रॉन्ग तो वो है जिसने तुम्हारी माँ को ये कदम उठाने मजबूर किया, लेकिन हम तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है? ठीक है। स्टार्ट करें ना प्यारी। हाँ। चलो हटो, हटो, हटो। ईजा, इस औरत को देखा कहीं? परेशान सी थी ठहरी। आप तो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो इस बच्ची की प्रॉब्लम का भी सलूशन दे दो ना। बच्ची की ईजा को देखा है कहीं? ज्योति नाम है। इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढ रही है चेली? चैती मेला की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। भगवत गीता सुनने के लिए आ जाइए सब लोग, क्योंकि इसमें ईश्वर से मिलाने की शक्ति है। ईश्वर से मिलाने का तो पता नहीं, लेकिन तेरी ईजा से मिलाने की ताकत जरूर है इस कथा में। चल भी। एक मिनट दीदी। क्या हुआ पीहू? माँ की आंखों में तो मम्मी नहीं दिख रही है। माँ की आंखें मतलब? मम्मी ने जब आपके एनजीओ ऑफिस के बाहर छोड़ा था, तभी उन्होंने कहा था कि वो माँ की आंखों में समाने जा रही है। माँ की आंखें? नैनीताल तालाब को माँ की आंखें कहा जाता है। इसका मतलब ज्योति? खतरे में जा रही है। अरे अरे बेटा सुन, नहीं 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 यहाँ पर एक आदमी पिछले साल डूब कर मरा है। अरे तालाब के नीचे तो बेलों का जाल बिछा है। अपनी जान की परवाह है या नहीं? पता नहीं इसका क्या होगा। अरे ये डूब जाएगी। एक बार बेलों में फंस गई तो ऊपर नहीं आ पाएगी। हाँ।
चमत्कार कर दिया बच्ची ने। जय हो नैना देवी मैया की। अरे बहादुर लड़की है, बचा के ले आए। होली के लिए तालियां। अरे बहादुर लड़की है, बचा के लिए आई। होली के लिए तालियां। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कथा तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलाकर रहेगी, है ना? चलो हाई फाइव दो। गुड गर्ल। चलो अभी तुम नर्स दीदी के साथ थोड़ी देर बाहर खेलो ना, मुझे तुम्हारी मम्मा के साथ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके ओके दीदी। ओके। उम्मीद करो कि तुम्हारी बच्ची तुम जैसे बुजदिल ना बने। एक आदमी के धोखे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस बच्ची के नसीब में बिन माँ बाप के पन्ना लिख कर जा रही थी तुम। सोचो अगर उसके अंदर भी तुम्हारी ही जितनी हिम्मत होती तो कैसे गुजारा करती वो? तो क्या करती? 6 साल की बेटी है मेरी, वो भी बिना शादी के। उसके प्यार पर इतना भरोसा था कि पिछले 7 साल से उसके साथ रह रही थी लिविंग में, बिना किसी की परवाह किए। लेकिन आज वो मुझे और हमारी बेटी को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं। क्यों? पीहू काफी नहीं है? एक अकेली बेटी की परवरिश करना कितना टफ होता जानती हो तुम? ज्योति, मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने अकेले एक नहीं बल्कि दो दो बेटियों को बड़ा किया है। कम से कम तुम दोनों बहनों के पास तुम्हारे बाबा का नाम तो है, लेकिन मेरी पीहू, मेरी पीहू किस नाम से जानी जाएगी? और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी पीहू को कोई नाजायज बोले। उस बच्ची को इस दुनिया में कौन लाया, वो बाप या तुम? उसे सीने से दूध किसने पिलाया, उसने या तुमने? रातों की नींद किसने खराब की, उसने या तुमने? तो उसके होने ना होने से पीहू नाजायज कैसे हो गई? अगर माँ के नाम से पहचान होना नाजायज है तो फिर तो हमें देवकी नंदन को पूछना भी बंद कर देना चाहिए ना, क्योंकि जाने तो वो भी अपने माँ के नाम से जाते हैं। क्या नाम है उस आदमी का? मुकेश। ये है मुकेश, पीहू के पापा। एक मिनट। मम्मी का कॉल। ओ शिट 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 ओ शिट शिट। कोई नहीं, पल दो पल के लिए हम हर कोई कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन तुम स्ट्रांग हो। और तुम्हें अपनी मम्मी का ख्याल रखना है। ओके ओके। स्ट्रांग बनना है। क्या बनना है? स्ट्रांग। थैंक यू दीदी, आज से आप मेरी शाइनिंग स्टार हो। अब मैं जाती हूँ, वरना मेरी मम्मी मुझे मार मार के हीरो से जीरो बना देगी। ओके, ख्याल रख। थैंक यू। हाँ भाई, सुना मैंने, उस औरत को बचाने के लिए तुम पानी में कूद गई। शाबाश। मैं तो कब से कह रही हूँ यार, फोर्स ज्वाइन कर ले। आफ्टर ऑल तेरे जैसे जिगरे वाली लड़कियां ही तो चाहिए मुझे मेरी टीम में। अभी भी वक्त है, देरी किस बात की? मेरी माँ के सामने प्लीज मत बोल दीजिएगा मैडम, वरना वो आपके सारे कुंवारे पुलिस ऑफिसर्स के घर में मेरी कुंडली पहुंचा देगी। और वैसे भी मैडम, हमें साथ काम करने के लिए एक जैसी वर्दी पहनने की क्या जरूरत? आपका डंडा और मेरा फंडा एक ही तो काम करता है। सो तो है। वैसे कथा, उस सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे आई एम श्योर किसी मर्द का ही हाथ है। एज ऑलवेज। और ये वाला तो अपनी पार्टनर और 6 साल की बच्ची को छोड़ के किसी और के साथ शादी करने जा रहा है। मैं फोटो भेजती हूँ उसकी। और एक बार ये हाथ आ जाए ना मैडम, बैंड बजा देना इसकी। भेजो, देखते हैं इसको भी।
क्वींस बेकरी, क्वींस बेकरी, जिनके पास से हमें पैसे रिफंड लेने हैं। मनु देख, सुंदर लगेंगे ये तेरे पे, ये रंग भी जो है। क्या समझती है तेरी दीदी खुद को, स्पाइडरमैन? ईजा की परवाह किए बिना ताल में कूद गई। ईजा, ये वंडर वुमन तो बोल देती। अब ना ना दीदी ना, तुझे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मन के इतने अरमान है ना कि सुपर हीरोज में भी स्पाइडरमैन को ही चुना। उड़ा ले मजाक अपनी ईजा का, जब ईजा नहीं होगी ना तो याद करती बैठना बल्कि। लाइफ है तो ड्रामा है यार। मामा अब क्या है, दिखने में कैसा है? जॉब? सरकारी नौकरी? सरकारी नहीं माँ, खारी, टोस्ट, ब्रेड, मावा केक माँ। अरे शादीपुर के मेहंदी नगर की शहनाई कॉलोनी से बाहर देखो नेजा, अरे दुनिया में बहुत कुछ है, जैसे उदयपुर की क्वींस बेकरी, जिसके हेड ऑफिस का ये नंबर है। क्या फायदा इस नंबर का, ये भी तेरी तरह जिद्दी ठहरे ना, ये 15,000 लौटाने को हुए ना तू लड़का देखने को हुई। खैर मैं अपना मूड खराब नहीं करने वाली, मैं तैयार होके निकल रही ठहरी, तुम दोनों लाठियों का मन करे मूड हो तो तैयार होके आ जाना। लाइफ है मॉम। ईजा का मूड कैसे ठीक करते ये मैं जानती। माँ ये है कबीर भैया, इन्हीं के बारे में मैं बता रही थी ना आपको। इनके अलावा क्वींस बेकरी का मालिक और कोई होता ना तो पूरा दिन एसी की हवा खाता रहता, पर पता नहीं क्या इन्हें भट्टी की गर्मी से इतना प्यार है। इस एसी कैबिन तक पहुंचाया भी तो इस भट्टी ने ही है, इसकी भाप भी उसकी बूंदों सी लगती है। सर फोन बज रहा है आपका कब से। किशोर जीजू कहाँ हैं? तैर रहे होंगे हमेशा की तरह अपने बही खाते में डूब कर। राइट, मिलता हूँ, नमस्ते। लगता है बहुत लोगों के पैसे मार कर बैठा है इनका मालिक, तभी फोन ही नहीं उठाता। हेलो क्वींस बेकरी। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन इरिटेट तो कोई भी होगा ना, कब से रिंग बज रहा है कुछ सुनाई नहीं देता। चार बार कॉल करने के बाद फोन उठाया आपने। वो आई एम सॉरी, वो मैं बोलिए क्या काम। काम छोड़िए, पहले आपका नाम बताइए। कबीर, कबीर शेखावत। ओहो कबीर, लगता है मिलेनियल कबीर हैं आप। इनका बस एक ही फंडा है, आज करे सो कल, कल करे सो परसो, इसीलिए पिछले एक महीने से हमारे 15,000 का रिफंड नहीं हो पा रहा है। कौन सा रिफंड? अच्छा ऐसे तो आप बड़ी क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है एक महीने पहले आपकी बेकरी से बासी फंगस लगे हुए केक आए थे हमारे यहाँ। What nonsense? मैडम हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है और हमारे यहाँ से बासी माल जाना impossible. अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्वींस बेकरी से हमारे यहाँ बासी केक भेजे थे और अब एक महीने से हमारा रिफंड नहीं मिल रहा है हमको। मेरी ईजा ऑफिस के चक्कर मार मार के परेशान हो गई है। किस डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं? अभिनव स्वीट्स, नैनी माता मंदिर के पास। नैनी माता का मंदिर? नैनीताल से बोल रही है क्या? जी नैनीताल के खरा सौदा स्टोर से बात कर रही हूँ मैं। आपकी दुकान का नाम खरा सौदा है, ऐसा नाम रख के हमेशा ईमानदारी का बैच पहन के घूमने की क्या जरूरत महसूस होती है आपको? देखिए ओवरस्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते ना तो आप समझते कि ईमानदारी से कमाए 15,000 रुपए हमारे लिए कितने कीमती है, तो चलिए 50 रुपए कट करके बाकी का अमाउंट हमें रिफंड कर दीजिए। 50 रुपए किस बात के काटने? उन पैसे से ना अपनी ही बेकरी से क्रीम रोल खा लीजिएगा। ऐसे समझना कि हमारा पैसा रिफंड होने की खुशी में
हम आपका मुंह मीठा कर रहे हैं। हेलो, कहाँ गए? ऐसो का नाम सुन के गायब हो गए क्या? आप अपने अकाउंट की डिटेल्स भेज दीजिए, शाम तक आपको आपका रिफंड मिल जाए। क्या बात है, आप तो बड़े जल्दी मान गए। टेढ़े प्रॉब्लम्स का हल अक्सर बहुत ही सीधा होता है, बस नजरिया बदल के देखना पड़ता है। थैंक यू सो मच, लेकिन आपके बारे में मेरा नजरिया तभी बदलेगा जब वो रिफंड हमारे अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है, अपनी ही बहन की शादी में लेट जा रहे हैं हम दोनों। ओ दीदी, मुझे पार्लर जाना था, तैयार होना था। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है, चल जल्दी, इतना टाइम कौन लगाता है तैयार होने में। वो दीदी, अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, आ जाओ। अपनों का तो छोड़िए पल्लवी जी, परायों का भी दुख दर्द देखा ना जाता मेरी चेली से। इतना साफ दिल है मेरी कथा का। क्षितिज बेटा, तुम्हारी ईजा बता रही थी तुम्हें मीठा खाने का बड़ा शौक ठहरा। कसम नैनी ईजा की, अगर तुमने मेरी कथा के हाथ की सिंगोड़ी खा ली तो हलवाई को भूल जाओगे। सुंदर भी है, गुण भी है, तो उमा जी 25 की उम्र तक रिश्ता क्यों नहीं हुआ आपकी चेली का? अरे बहन जी, उसका बस चले तो आज भी शादी ना करने को हुई। मेरे छोटे भाई के जाने के बाद उमा ने अकेली दोनों लड़कियों को बड़ा किया ठहरा, और अब कथा शादी के नाम से कतराने वाली हूँ। उसे लगता है कि उमा अकेले हो जाती। हमारा क्षितिज काम के सिलसिले में फॉरेन वॉरेन जाता रहता है, हैं? तो रिश्ता पक्का हुआ तो कथा को भी ले जाया करेगा, उसकी चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। ओ प्रीति, थैंक यू। परफेक्ट। जल्दी कंप्लीट करो ना, ये हमारे जीजा जी के कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंतजार करवाया करो, कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन इंतजार मुझसे ही तो नहीं होता। यू नो, आई कांट बिलीव कि अरेंज मैरिज में मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला है जिससे मेरी ट्यूनिंग एकदम 10/10 मिलती है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ मॉम, आ गई आ गई। हाँ यार मॉम, कुछ भी कभी भी आप चिल्लाना शुरू कर देते हो यार। अच्छा ओके, मैं भेज रही हूँ। दी, तू जल्दी से नीचे जा, मॉम तुझे अर्जेंट बुला रही है, अर्जेंट। अब वैसे ना मॉम की एक्साइटमेंट सुन के लग रही है ना कि क्षितिज की बात ना पक्की हो गई है। व्हाट? और वैसे भी लड़का भी तो हैंडसम है, चशिक है, वो तो है। देखो देखो देखो, शर्मा दे। हां चीख दे, ब्लश ब्लश ब्लश, कौन शर्मा रहा है? इतना भी कोई हैंडसम नहीं है। हां मैं जा रही हूं। अरे तुमने ऐसे ही 15,000 का रिफंड दे दिया, एक बार पता तो लगा लेते कि लड़की सही कह रही है या नहीं। एक ईमानदारी थी उसकी आवाज में। जीजू साहब, आप उस नैनीताल वाले डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कीजिए और उससे पूछिए कि हमारे बेकरी का माल बासी भेजा कैसे उसने। ऊपर से पैसे मार के बैठा हुआ है। उस बेचारी की माँ के बारे में सोचिए, कितनी परेशान होगी वो। अगर रिफंड मिल जाएगा तो थोड़ी खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। आप दे दीजिए। और वैसे भी
मेरा मानना है कि कोई भी काम हो अगर उसके बदले आशीर्वाद मिले तो घाटे का सौदा नहीं होता है, है ना? बिल्कुल मासा। जीता रहे मेरा बेटा। कमागणी मासा। जीते रहिए, जीते रहिए। इसे जला दीजिए। मासा, इतना भी हैंडसम नहीं हो कि आप रोज मेरी नजर उतारती। तेरी नाक तेरे पापा सा से मिलती है ना। हमारी तरफ की नाक मिलती तो ज्यादा हैंडसम होता। जैसे तेरी आंखें मुझसे मिलती है ना, इसलिए रोज नजर उतारनी पड़ती है तेरी। आइए मासा, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बात बता, तू हर रोज अपनी बेकरी का पहला माल मेरे हाथों से गरीबों में क्यों बंटवाता है? आलू के पराठों के लिए। मतलब? वो क्या है नमासा, आपके हाथों जैसे आलू के पराठे कोई नहीं बना सकता, तो आपके हाथों पुण्य कराता हूँ ताकि आपकी उम्र लंबी हो जाए और मुझे भी 50 बरस के लिए आपके हाथों के पराठे मिलते रहे। ना भाई, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती तुम्हारे पापा सा से मिलने का। मैं तो देखते ना चलते गौड़ा ही जाऊंगी। बस अब तू जल्दी से मुझे मेरी बहू का चेहरा दिखा दे। मासा, इस बेकरी जैसे सौतन के साथ मुझे एक्सेप्ट करने वाली कौन मिलेगी? चुप कर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर होगी। हमारे यहाँ के रण में नहीं मिली ना, तो पहाड़ों से ढूंढ कर लाऊंगी मैं उसे तेरे लिए। अच्छा। पल्लवी बहन कुंडलियां मिलाने की बात कर रही ठहरी, बस कथा से बोल देना कि अपनी नारी मुक्ति वाली बातें करने न लग जाए। आप चिंता ना करो जेठ जी, आज तो मैं धमकी दे दी ठहरी, आज सब कुछ ठीक होगा ठहरा। नहीं नहीं, मैं आज निराश ना करती मुझे। धन्यवाद। फोटो से तो काफी अलग है आपकी बेटी। मेरा मतलब है फोटो से बहुत ज्यादा सुंदर है। क्षितिज, कथा से अकेले में बात करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति ना ठहरे। बिल्कुल, जब तक हम कुंडलियां मिला लेते ठहरे, बच्चे आपस में एक दूसरे को जान लेंगे। ब्यूटीफुल, काफी ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। हाँ, सच में बहुत अच्छा है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सीधे हॉबीज ये नहीं पूछोगे कि मैं क्या काम करती हूँ? लेट मी गेस, गवर्नमेंट जॉब। एक पुकार नाम के एनजीओ में काम करती हूँ मैं। कथा दी, हमारे परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है। हाय, अच्छा मेरे परफॉर्मेंस का टाइम हो गया, मैं अस्पताल में हूँ, ठीक है? अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ। नहीं नहीं, अगर वेट करें ना अस्पताल में लूँगी। ओके बाय। मुबारक हो उमा, लगता है बात बन गई ठहरी। कालका माँ आपको लंबी उम्र दे। खमागड़ी बाबा, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन के लाभ हुए, धन्य हो गए भाग्य हमारे। सौभाग्य दर्शन का नहीं, गरीब की दुआओं का है। बाबा, मैं अपने लिए दुआएं बटोर के करूं भी तो क्या करूं? मेरी सारी चिंता मेरे बड़े बेटे कबीर को लेकर है।
पूरे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसके अपने दिल के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। बाबा आशीर्वाद दीजिए कि उसे जल्द से जल्द एक अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए। माँ की आंखों का सपना माँ की आंखों में जाकर ही पूरा होगा। बाबा आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझी नहीं। नैनीताल के पानी में संगम होगा इन दोनों के भाग्य की रेखाओं का। वहां के चैत्र मेले में ही कबीर कथा का आरंभ होगा। धन्य हो बाबा, धन्य हो। इतना जल्दी सब कुछ हो गया, एक बार भी नहीं मिलाया तूने मुझे जीजू से। सरप्राइज रखना था, और वैसे भी बड़ी बहन होने के नाते टीका तो आप ही करोगी ना, तब देख लेना। चले चले। अब चलिए जीजू, अब अपना सहरा तो उठाइए यार। ओहो अब शर्माइए मत। ये है मुकेश, पीहू के पापा। 6 साल की बेटी है मेरी, तो भी बिना शादी थी। अरे तिलक लगा दीजिए साली जी। दी कहाँ खो गई, तिलक करूँ ना? दवे का टाइम हो गया। बहुत ख्याल रखती है चेली। मनु चल तू कर दे। कर दे। प्यार पर इतना भरोसा था कि पिछले 7 साल से उसके साथ रह रही थी लिविंग में। आज वो मुझे और हमारी बेटी को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। ओम श्री गजाननम भूत गणा दिशे एकदम तुम्हारी मुंह खले सारो भक्ति। क्षितिज बेटा 1 तारीख को अमेरिका जा रहा ठहरा, तो उससे पहले सगाई करा देते हैं। ठीक है तो मैं कल पंडित जी को लेके आपके घर आ जाती हूँ, सगाई की तारीख तय कर। जी जी बिल्कुल। एक अकेली बेटी की परवरिश करना कितना टफ होता जानती हो तुम? और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी पीहू को कोई नाजायज बोले। अरेंज मैरिज में मुझे एक ऐसा हस्बैंड मिला है जिससे मेरी ट्यूनिंग एकदम 10/10 मिलती है। ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ? नीति की जिंदगी का क्या होगा, पीहू और ज्योति से किए मेरे वादे का क्या होगा? इस धोखेबाज की सच्चाई मुझे सबके सामने लानी ही होगी।